तो कैसे हैं आप लोग? हाय गाइज, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे गाइज कि आपने तो गेम प्ले दिखा दिया इनके भाई, लेकिन आपने अपना अभी तक पूरा बेस नहीं दिखाया। तो आज भाई पूरा बढ़िया से मैं अपना सारा बेस दिखाने वाला हूँ कि हमने कितना बड़ा बेस बना लिया है। और ये अभी तक का गाइज मेरे हिसाब से टीम और स्क्वाड और लीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेस होने वाला है जो कि हमने रेडी कराया है। ठीक है, इस बेस को हमने 3-4 बंदों ने ही मिलकर इस पूरे बेस को बनाया था और लूट भी आप देख सकते हो हमारे पास अच्छा काफ़ी अभी तो फिलहाल के लिए। और कल की वीडियो को शॉर्ट आउट जाता है गाइज बन अलाइव गेमिंग को। बहुत बहुत शुक्रिया गाइज कि आपने आके फर्स्ट कमेंट करा, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू गाइज कि आप सभी लोग इतना सपोर्ट और अपना प्यार दिखा रहे हो। तो देख लो गाइज हमारे पास अच्छा खासा यहाँ पे लूट जमा हो चुकी है, आयरन, सल्फर, स्पेयर्स हमारे पास। तो ओ भाई स्टील मेरे को सबसे पहले गाइज ग्लाइडर बनाना होगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी स्टील ले ली है और कुछ गियर्स वगैरह ले लिया हूँ। ये देख लो, चलते गाइज जल्दी से ग्लाइडर बना लेते तो फिर आपको पूरा बेस ऊपर से भी दिखाऊंगा। और जिन लोगों ने यार अभी तक डेली लिमिट्स के जो नीचे जो एक कॉपलेट्स आता है तो जल्दी से जाके रिसीव करो यार, अभी मतलब है तो जल्दी से रिसीव कर लो। ये सारी रेसिपीज बाद में आपको हो सकता है खरीदनी पड़ जाए, तो इसीलिए जाके जल्दी से रिसीव कर लो गाइज। तो जब तक हमारा ग्लाइडर बन के रेडी हो रहा है गाइज, तब तक मैं आपको अपना फर्नेस दिखा देता हूँ कि हमारे दोस्त लोगों ने कितनी ही मेहनत करी है। ये देख लो, ये केवल अभी फिलहाल 3-4 बंदों की पूरी मेहनत है गाइज। ये देख लो पूरा फर्नेस वगैरह हमारा सल्फर आयरन से पूरा भरा पड़ा है। सारे फर्नेस दिखा देता हूँ यार, ये देखो ये यहाँ पे 3 फर्नेस हमने लगाया है गाइज। ठीक है, और बाहर की और जहाँ पे हमने बेड वगैरह लगाया वहाँ पे हमने 5-6 फर्नेस लगा डाले। और ये देख लो, ये रहा हमारा फ्रिज भी 2 है यार, इतने बड़े मतलब टीम है और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ खेल रहे हैं तो फ्रिज तो 2 रहना ही चाहिए गाइज। और एक बंदा था गाइज डोली नाम का, वो बोलते थे यार हमारे पास हमारे बेस में जो फ्रिज रहता है ना वो हमेशा खाली ही रहता है यार। तो हमारे देख लो हमारे फ्रिज में अभी भी सामान भरे पड़े हैं। और इसमें हमने कुछ बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए रखे हैं गाइज, लेकिन अभी हम रेड थोड़े से बंद कर दिए हैं क्योंकि हो रहा है क्या गाइज मैं बता रहा हूँ कि रेड कर रहे तो अभी कुछ खास चीज़ें हमारे हाथ लग नहीं रही। तो जैसे ही 71 आवर होगा तो फिर हम लोग बहुत ही तगड़ी रेड करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी हमने रेड बंद कर रखा है। तो यहाँ पर देख लो गाइज, यहाँ पर एक, अरे यार अच्छा फर्नेंस में यहाँ पे एक ही एक जगह खाली थी गाइज, तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना इसको पूरा ही भर दिया जाए तो सही रहेगा। इस फर्नेंस में देख लेता हूँ क्या है यार, ये भी पूरा खाली पड़ा है। एक काम करते हैं, इसमें भी थोड़े थोड़े बूट डाल देते हैं हम लोग। और इस फर्नेंस में सल्फर और आयरन है, देख लो गाइज इसमें भी देख लेते क्या है, इसका भी एक अति खाली है तो इसमें मेरे पास सल्फर पड़ी हुई तो इसको डाल देते, ये सही रहेगा। और ये देख लो, ये हमारे रहे, ये हो गए 3 उधर हो गए गाइज, ये 7वां फर्नेंस है हमारा। हमने ज़्यादा फर्नेंस भी नहीं लगाए गाइज, 8 या 9 फर्नेंस ही लगाए ताकि हम मतलब उतने ही भर सके, जितना हम भर सके उतना ही हमने लगा डाला है। और ये जो थोड़े बहुत बचे हुए गाइज मैं इसमें डाल देता हूँ, और सल्फर को 1 में डाल देता है, 1 में स्टील को। अब ये सही है गाइज, अब हमारा फर्नेंस पूरा रेडी हो चुका। इस क्लोसेट को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ सबसे पहले, यार ये उल्टी हुई है, इसकी कोड क्या थी यार, 1112, हाँ ये थी हमारी कोड। तो इसमें कुछ है नहीं गाइज, उतना खास चीज़ें है नहीं। अब इसमें दिखाता हूँ गाइज, इसमें रोप हमने रखा है, सबके लिए अलग अलग बॉक्सेज बना रखे हैं, और लूट रूम के लिए ऊपर छत पे भी हम बना रखे हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये बुलेट के लिए गाइज, लेकिन बुलेट अभी मेरे को बनाना पड़ेगा, अभी बुलेट है नहीं इसमें, तो बुलेट बना के फिर हम इसमें डाल देंगे। आइए देख लो गाइज, इसका बेकार है, मतलब कि इसमें कुछ भी काम की चीज़ें नहीं है, तो इसीलिए इसको हिंदी में लिख दिया लोगों ने बेकार। मेरे टीम में से किसी बंदे ने लिखा है बहुत ही अच्छे से बेकार, कैसे पता नहीं उनका हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट हो गया इसलिए उन्होंने लिख दिया होगा। फिलहाल तो हमारा यार इतना ज़्यादा कीबोर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्या ही बोलूँ, मतलब लिखता हूँ कुछ और स्टार 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 हो जाता है यार, बताओ मैं क्या करूँ। ये देख लो भाई, ये अनक्राफ्ट बॉक्स है, ठीक है, इसमें मतलब वही चीज़ है जिसकी हमें रेसिपी अभी निकालनी है फिलहाल, तो जो भी चीज़ है उसकी हम रेसिपी निकाल लेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें मेरे को कुछ स्पेयर्स मिल गए यार, 248 स्पेयर इसमें है, और जीपी वाले बॉक्स में भी कुछ थे यार, देखो 936। एक काम करता हूँ गाइज, अभी फिलहाल इसी में रख देता हूँ, और नहीं तो एक रेसिपी निकाल ली जाएगा सही रहेगी, एक ये थाई की और एक रेड डॉट तो अपना काम आ जाएगा यार अवेंजर को मारने में, क्योंकि रेड डॉट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइज अवेंजर को मारने में। और ये मैं पूरा बेस दिखाने वाला हूँ गाइज कि मतलब किस तरह हमने पूरा फाइटिंग के लिए ही पूरा बेस बना रखा है, कि अगर बंदे ऑनलाइन हो ना तो भाई अगर आपने इसमें बैच ला के रख दिया तो भाई ये बहुत ही पावरफुल बेस होने वाला है। आज तक का जो हमने बेस बनाया गया इस टीम के लिए, बहुत ही सॉलिड बेस हमने डिजाइन करा है और बहुत ही सॉलिड है गाइज, अब प्लस बहुत ही इजी, आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं इस बेस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी रेसिपी निकाल लेता हूँ,
एक है रेड डॉट की पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरी रेसिपी हम निकालेंगे। दूसरी रेसिपी हम थाई की निकालने वाले हैं यार, फिर आपको पूरा बेस हम दिखाएंगे। तब तक हमारा ग्लाइडर तो बन ही जाएगा और थोड़े से फ्यूल भी ले लेते हैं। हाँ गाइस, जब भी आप बेस वगैरह मतलब बनाओ तो एक मेन बेस तो आप अपनी जगह पे बनाओ, लेकिन एक और 2x2 का छोटा बेस जरूर से ऑयल बेस पे, मतलब गैस स्टेशन नहीं, ऑयल बेस, जो कि आपको पूरा कोने में पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे आपको रोज़ ऑयल मिल जाया करेगा। वहाँ से एक या दो बार दिन भर में अगर आपने फार्म कर लिया ऑयल, तो यार आपको ऑयल की कमी नहीं होगी। आप लोगों को पता है गाइस, हैंडमेड के जो वाइट एक्सप्लोजिव होते हैं उसे बनाने के लिए ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी स्पेयर्स बचे उसको तो मैं अभी फिलहाल रख देता हूँ, और ये जो है इसको पहले ऑन कर लेता हूँ। ये देखो रेड डॉट तो फाइनली हमारी ऑन हो चुकी है। अब बहुत सारे लोगों को गाइज प्रॉब्लम हो रही थी टैलेंट में, तो यार टैलेंट पॉइंट में कभी बता दूंगा, बहुत ही बढ़िया से बता दूंगा, और वो भी उसमें ये सारी चीज़ें भी बता दूंगा कि भाई मतलब कौन कौन सी टैलेंट आपको ऑन करना सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद फिर आप कोई भी करो आपका काम चल जाएगा। जैसे अगर बता दूं गाइस, तो मिली वेपन वगैरह की जल्दी से ऑन कर लेना है, जिससे ज़्यादा हाई डैमेज होती है मिली वेपन से, क्योंकि देखो जब भी आप शुरुआत में आते हो गाइस, तो आपको उसी से फाइट करनी होती है मिली वेपन से, और जॉम्बी वगैरह से भी फाइट करना होता है मिली वेपन से, जैसे मैचेट हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, तो इन सब की टैलेंट सारी मिली वेपन की बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, किचन नाइफ इन सब की डैमेज हाई हो जाएगी। जब भी आप किसी को हीट करोगे तो अच्छा खासा उन्हें डैमेज जाएगा। ये सारे बॉक्सेज में देख लो गाइस, हमारा पूरा SMG का ये बॉक्स है जो कि भरा पड़ा है। ये हमारा रहा प्लेट का बॉक्स, मेरे पास 4 प्लेट है, इसको मैं डाल देता हूँ। और ये रहा हमारा गियर बॉक्स, तो गियर में थोड़े से गियर कम है अभी, और जब कैनॉन वगैरह बनाएंगे गाइस तो हमें बहुत ज़्यादा गियर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उस समय हम ले लेंगे। अब लैडर के भी हमने जान के अलग से बना रखी थी, ताकि हम किसी पे रेड वगैरह करने जाए तो बहुत ही ईजी रूप से रेड कर सके। अब वन अलाइव गेमिंग को एक और मैं शॉर्ट आउट इसलिए भी देना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक इंट्रो और एक आउट्रो भी बना के भेजे अपने तरफ से भाई ने, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वन अलाइव भाई, ठीक है। और देख लो गाइस, ये जो हमने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी थी गाइस, कि यहाँ पे हमें बार बार चढ़ने में मुश्किल हो रहा था, बाकी सीढ़ी का रंग देख लो यार, बहुत ही ओपी लग रहा था यहाँ पे। अब मैं आपको ऊपर का लूट रूम दिखाता हूँ, जिसे अभी तो यहाँ पे हमने अभी कुछ फिलहाल रखा नहीं है, लेकिन अभी हम रखेंगे यहाँ पे बॉक्स वगैरह लगाने वाले हैं। और ये देख लो, ये चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है गाइस, कि मतलब कोई भी ये बंदा इतनी आसानी से हमारे बेस को तो रेड नहीं कर सकता, ये बात तो सही है यार। कि देख लो मतलब, आप अगर सोच रहे होंगे गाइस कि सब्जी तो है यार, कैबिनेट कहाँ है, तो कैबिनेट इसी सीढ़ी के पास है गाइस। आप में से बहुत सारे लोग देख लिए होंगे कैबिनेट कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि वो ब्लू रंग का दिख रहा था। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर दिखाता हूँ अपना पूरा बेस। इसको भी मैंने ऊपर से भी डबल सेलिंग कर रखा है गाइस हमने, और डबल किया यार, इसको आप चाहो तो आप ट्रिपल बोल सकते हो यार, कि मतलब हमने इसको ट्रिपल सेलिंग कर दिया ऊपर से, कि मतलब कोई भी बंदा ऊपर से भी इतनी ईजिली रेड ना कर सके हमें। अब मैं आपको ऊपर छत पर लेके जाता हूँ यार, कि ऊपर हमने छत पर कैसे बना रखा है। ये जो आपको रेड हो रेड कलर का दिख रहा ना गाइज, ये रेड मतलब ये रेड नहीं हुआ है, ठीक है, ये ग्लिच है, एक पता नहीं कैसा ग्लिच है यार, कि मतलब मैंने ऑन करके रीस्टार्ट भी करा तब भी ये मेरे को रेड ही दिख रहा, और जब मैं रिपेयर के ऑप्शन में जाता हूँ तो कोई भी रिपेयर नहीं दिख रहा। तो इसको छोड़ो गाइज, चलो मैं ऊपर दिखाता हूँ अपना बेस के ऊपर हमने कैसा डिजाइन करा, कि बहुत सारे लोग आपको पता होंगे गाइज कि जब वो आप पे रेड करते हैं तो मतलब वो रूफ बना लेते हैं ऊंचे ऊंचे, उसके बाद वो रेड करते हैं। तो ये देख लो, ये बहुत ही अच्छा एरिया है गाइस, जहाँ से आप रूफ वाले बंदे से फाइट ले सकते हो, ठीक है। एक तो आप यहाँ से फाइट ले सकते हो रूफ वाले बंदे से, और एक इसके छत से भी आप फाइट ले सकते हो, लेकिन जैसे कि छत से जब फाइट लोगे ना, तो क्या होगा कि वो रूफ वाले बंदे आपके छत पर आके जब आपको मारेंगे तो आपके सामान लूट के लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप विंडो वगैरह लगा दो और एक डोर लगा दो तो वो बंदे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर सकते। अब मैं आपको अपने छत पर भी लेके जाता हूँ, इसको मैंने चारों तरफ से इस तरह का बना दिया है गाइस, ताकि मतलब यार कि किधर से भी वो बंदे रूफ लगा के फाइट करे तो उनकी तो मतलब पुंगी बजनी चाहिए यार, मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब अपना बेस रेड नहीं होना चाहिए। और ये देख लो गाइस, हमने इतना लंबा चौड़ा बेजल बना रखा है ना, कि अगल बगल तो कोई दूसरा बंदा बेस बना ही नहीं सकता भाई, क्या ही सीन ओपी लग रहा था यार। चलो एक बार और देखते यार, मतलब बहुत ही ओपी सीन है भाई, इतना ऊंचा पे होना क्या ही बोलो। एक काम करता हूँ गाइस, ग्लाइडर से मैं आपको अपना पूरा बेस दिखाता हूँ कि कैसा हमने पूरा बेस डिजाइन करा है। ये देख लो, ये केवल हमने 3-4 बंदों ने ही मिलके इसको पूरा बेस को बनाया है। ये देख लो, चारों तरफ से मतलब फुल टू चाइनीज बेस बन गया यार, अगर सही बोलूँ तो। इतना बड़ा बेस यार, मतलब फर्स्ट टाइम हमने ये बेस डिजाइन करा है टीम के लिए और स्क्वाड के लिए। अगर चाहे तो पूरा लीजन भी इस बेस में खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्राई हो है मतलब 3 ही लोग हैं तो भी आप इस बेस में खेल सकते हैं यार। 3 लोग मिलके इजीली आप इस बेस को कवर कर सकते हो, बना सकते हो पूरा एकदम ईजी।
ये देख लो। लेकिन हाँ गाइज, तीन तीन बंदे जब आप रहोगे तो इतना श्योर याद रखना कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑन रहना, ताकि आपके बेस पे जब भी रेड हो तो आप उनसे फाइट ले सको। ये देखो, ये हमने छोटे छोटे बॉक्सेज भी बना रखे हैं थर्ड फ्लोर पे, ठीक है, ताकि हम वहाँ से भी इजीली अपने रूम से फाइट ले सके, ताकि मतलब कोई भी बंदा हमारा सामान गिरने के बाद, अगर कोई बंदा मुझे हमें मार भी देता है तो हमारा सामान जो गिरता है वो क्या करते हैं, दूसरे बंदे लेके भाग जाते हैं। तो वो उसका मैंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है कि अपना सामान नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह से। और ये देख लो, ये हमने रूप भी बना रखा है कि अगर हमें नीचे से भी फाइट लेने की ज़रूरत हो तो हम पूरा नीचे से भी ले सके। आपको मैं अपना पूरा बेस नीचे से भी दिखाता हूँ यार कैसा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे गाइस कि नीचे से भी हमने विंडो लगा रखा है चारों तरफ से, कि मतलब कोई भी बंदा हमारे अगर आसपास भी है, अगर बाउंड्री के अंदर आता है तो हम उसको अंदर से भी उससे फाइट ले सकते हैं। ये देख लो, बहुत ही इजी एकदम फाइट ले सकते हैं। घर के दरवाजे पे अगर वो कैंप करता है या कुछ भी कर रहा हो वो बंदा, तो वो भी मारा जाएगा, ठीक है। ये देख लो, बहुत मतलब जितना तगड़ा अगर इस बेस को बोला जाए भाई उतना ही कम है यार। लेकिन हाँ गाइस, इस बेस में एक चीज़ है कि आपको इसको फुल टू अपग्रेड करना होगा। और इसमें किस तरह आपको अपग्रेड करना है गाइस, मैं वो भी बताता हूँ। और इतना जो आपको बाहर में जो बनाना है, ये भी किस तरह बनाना है, इस बेस को तो याद रखना यार। ये जो छोटे वाले बेस था ना सामने वाला, उस बेस को ज़रूर से याद रखना, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ बताऊँगा आगे। ये बेस है जो कि हमारे बेस के मतलब डिस्ट्रॉय होने का कारण बना, वो भी मेरी गलती से। तो जो भी होगा गाइस, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे हुआ। लेकिन फिलहाल ये बेस देख लो, हमने इस बेस में टोटल 6 कैबिनेट लगाए हैं। मतलब कि एक बंदा अगर एक कैबिनेट तोड़ भी देता है तो उसे टोटल 6 कैबिनेट तोड़ने पड़ेंगे हमारे बेस को तोड़ने के लिए। मतलब एक तरह से भाई ये बेस पूरा फुल प्रूफ है, ठीक है, मतलब फाइटिंग प्रूफ है। मतलब अगर आप अंदर से फाइट लेना चाहो तो इजीली फाइट ले सकते हो, आप जहाँ से फाइट लेना चाहो आप इजीली इस बेस से फाइट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जो और सामने वाली बेस है गाइस, वो हमारे डेविल वाई का बेस है, जो कि उन्होंने भी बहुत ही अच्छा बेस बनाया, हमने अंदर जाके देखा है। उन्होंने भी फाइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा एरिया भी बनाया। ये जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना गाइस, इसी में हमने टीसी लगाया है। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेज हैं इसमें हमने टीसी लगा रखा है फिलहाल के लिए। अब मैं आगे दिखाता हूँ यार, मतलब चारों तरफ से हमने टीसी लगाया है। ये देख लो भाई, इसमें भी हमने टीसी है, मतलब फुल टू, मतलब इस हमारे चारों तरफ बेस के, तो अगल बगल कोई भी बंदा ऐसे बेस अपना बना नहीं सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा गलती से बना भी लेता है तो उसको तो पहला नाम हम बनाने नहीं देंगे गाइस। और ऊपर से उसकी मतलब अगर उसने गलती से भी अपना कैबिनेट वगैरह तोड़ दे तो यार हमारा कोई ना कोई कैबिनेट उसे रिसीव कर लेगा उसके बेस को। और ये जो कार है गाइस, ये हमारे एक फ्रेंड ने ही बनाया है ये कार। और इसमें मेरे को लगा था कि शुरू में ये 3 बॉक्सेज वाली कार है, लेकिन इसमें 5 बॉक्सेज है, ठीक है। तो मैं वो कार भी आपको दिखाऊंगा पूरा, मतलब मस्त कार है। और ये देख लो भाई, यहाँ से भी आप इजीली फाइट ले सकते हो, मतलब फुल टू ये फाइटिंग बेस ही आप इसको बोल सकते हो। और ये देख लो भाई अपना बेस कैसा लग रहा है यहाँ से देखने में। और जो आपको बेस के सामने जो डोर दिख रही ना, उसके पीछे अभी हमने रूफ लगा रखा है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और ये पहले दिखा देता हूँ भाई कि अपना बेस पीछे कैसा लग रहा है। भाई क्या ही बोलूँ यार, मतलब पूरा चाइनीज बेस लग रहा है। अगर आपके पास भी इससे अच्छा बेस डिजाइन हो गए तो आप मेरे को ज़रूर से डिस्कॉर्ड पे भेज दो, उसकी आगे का जो फ्रंट मतलब जो होता है उसका वो निकाल के भेज दो यार। मैं कभी देखो गाइज, मैं कभी दूसरे बंदे का बेस जल्दी शोकेस नहीं करता हूँ। और अगर आपने मेरी वीडियो में देखा हो तो मैंने कहीं पे भी दूसरे बंदे का बेस शोकेस नहीं करा है। अगर हाँ, अगर आपका फ्रंट एरिया अच्छा है, लुकिंग है, देखने में अच्छा लगेगा, तो मैं उसको अपने कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर से डालूंगा। आप ज़रूर से भेज देना ताकि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस बेस के लिए लाइक दिला सकूँ, ठीक है। अगर आपने अच्छा मेहनत करी अपने बेस के लिए तो आप ज़रूर से भेजना गाइज, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा कि आपका जहाँ तक हो, अगर आपका चैनल भी हो तो मैं उसको हेल्प कर सकूँ। फिलहाल तो यहाँ पे आपको मैं अपना पूरा बेस दिखा देता हूँ गाइज। लेकिन एक चीज मेरे को आप जरूर से बताना, ये रेड रेड क्यों दिख रहा है यार, मैं इससे परेशान हो गया हूँ, पूरा मेरा बेस रेड दिखने लगा। और ये देखो गाइज, ये जो डोर हमने लगा रखा था सेकंड फ्लोर पे, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे भाई इस डोर के पीछे क्या है, तो ये देख लो, डोर के पीछे हमने पूरा फुल टू रूफ लगा रखा है। और ये रही अपनी कार, अगर आप चाहो तो अगर आप अंदर में ड्राइविंग सीख सकते हो, जिस बंदे को ड्राइविंग नहीं आती वो हमारे बेस के अंदर ड्राइविंग सीख सकता है। ज्यादा चार्ज नहीं लेंगे, बहुत ही कम चार्ज लेंगे, बस कितना यार, कितना चार्ज लेंगे बताऊं, 2000 ऑयल रोज में हमारे लिए फार्म करना होगा तब मैं आपको पूरा ड्राइविंग सिखा दूंगा अपने बेस के अंदर ही। ये देख लो, हमारा बेस पूरा बन के रेडी हो चुका है यार, हमारे गाड़ी की फ्यूल ही खत्म हो गई। और ये जो हमारा आगे का भी जो एरिया था, देखो यहाँ से भी हम फाइटिंग ले सकते हैं। अगर बंदा मान के चलो ग्लाइडर वाला है, वो हमारे घर के अंदर ढूक गया है या किसी तरह रेड करके, तो हमारे पास यहाँ से भी ऑप्शन है कि उनसे हम फाइट ले सके। ये जो हमने छोटे छोटे एरिया रखे हैं, यहाँ पे आप इजिली बॉक्सेज वगैरह प्लेस कर सकते हो अपने, जिसमें कि आप गन वगैरह रख दो
और आपको पता है गाइज कि अगर मतलब कि अगर रैंकेड मोड है, अगर आपको पे कोई रेड भी करता है, अगर आपके बाहर के बॉक्सेस तोड़ भी देता है, तो इससे उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक कि वो आपके टीसी को ना रेड कर दे। और अपने पास एक दो टीसी तो है नहीं गाइज, अपने पास 6-6 टीसी है। वही टीसी हमारे गलती का कारण भी बना, और उस बेस को लेके यार, वो छोटे वाले बेस को लेके। बहुत सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको क्यों इस तरह का मतलब प्रॉब्लम हुआ। और देखो जो हमारा एंट्रेंस है गाइज बेस में अंदर आने का एरिया, ये भी हमने बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा सॉलिड बना दिया है ना गाइज कि मतलब उसे बंदे को करीब करीब हाँ 4 या 5 डोर तो श्योर उसको तोड़ने ही पड़ेंगे, उससे कम डोर तोड़े बिना तो उसका काम नहीं चलने वाला यार। इतना ज़्यादा मतलब हमने इस बेस को सिक्योर बनाया था यार, लेकिन क्या ही करूँ यार, अपना बेस ये चला गया मेरी गलती कारण, वो मैं सारी बता दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन भाई बेस बहुत ही ओपी हमने बनाया था, बहुत मेहनत करी थी यार हम लोगों ने इस बेस में। और आप देख ही सकते यार कितना सारा सामान है हमारे पास यार, बैरल वगैरह पूरी चीज़ें भरी पड़ी हुई है गाइज। और आप सभी लोगों के इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइज। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसमें लाइक कर दो और जितना हो सके कमेंट करो। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।